एक जो पहला ग्रुप है इनका, यानी कि स्पर्मासीडा को हमने दो ग्रुप में क्लासिफाई किया। मैंने आपको कहा ना अभी कुछ देर पहले कि जो हम स्पर्मासीडा को डिस्कस कर रहे हैं, और प्लांट फिर बता दूं विच प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। द फर्स्ट अपीयर इन द लेट डिवोनियन एंड कार्बोनिफरस पीरियड। दे रिप्लेस लाइकॉप्सिडा एंड साइनॉप्सिडा। इन्होंने किसको रिप्लेस किया था? लाइकॉप्सिडा और साइनॉप्सिडा को रिप्लेस किया था। दीज प्लांट्स आर क्लासिफाइड टू ग्रुप्स। इनको दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। एक आपके पास कौन से हैं? एक आ जाते हैं आपके पास जिम्नोस्पर्म, और दूसरे आपके पास क्या आ जाते हैं? एंजियोस्पर्म। ठीक है, जेम्नो वर्ड निकला है कहां से? जेम्नास से। जेम्नास से, जिसकी मीनिंग है नैकेट, नैकेट। और स्पर्म का मतलब क्या होता है? सीड। स्पर्म किसको कहते हैं? सीड को कहते हैं। सो दे हैव नैकेट सीड। दे हैव नैकेट सीड यानी कि इनके पास क्या होगा? देखें, दे हैव, क्या लिख दिया? हैव नैकेट सीड। नैकेट सीड्स क्यों होते हैं? मतलब क्या है कि देखें, ओव्यूल, ओव्यूल जो है इनका विदाउट ओवरी, विदाउट ओवरी, कि इनका ओव्यूल ओवरी के अंदर नहीं होता है। ओवरी, ओव्यूल ओवरी के अंदर नहीं होता। अगर इनका ओव्यूल ओवरी के अंदर होता तो इनके पास फिर नेकेट सीड ना होते। ठीक है, एंड दीज प्लांट प्रोड्यूस कोन लाइक फ्लावर्स। एक और बात याद रखिएगा, बास लोग कहते हैं कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट क्या है? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है, लेकिन मैं कहता हूँ कि दीज आर द फ्लावरिंग प्लांट। क्यों इनको हम फ्लावरिंग? अब आप कहेंगे फ्लावर कहाँ है जी? फ्लावर दिखाएं, इनके पास कॉन्स मौजूद है, कॉन्स। और जो इनके पास कॉन्स है, उन्हीं कॉन्स को हम कंसिडर करते हैं इनका फ्लावर्स। याद रखिएगा, उन्हीं कॉन्स को हम क्या कंसिडर करते हैं? इनके फ्लावर्स कंसिडर करते हैं। तो याद रखिएगा, दीज प्लांट प्रोड्यूस कॉन्स लाइक फ्लावर। यही जो कॉन्स लाइक फ्लावर, यही ये जो कॉन्स है इनके अंदर, यही इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और यही इनके क्या है? फ्लावर्स हैं आपके पास। याद रखिएगा, इन्हीं को हम फ्लावर्स का नाम दे देते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं कि ये इनके क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। जबकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट क्या है? ओव्यूल डेवलप इन द ओवरी। इनमें एंजियोस, एंजियोस की मीनिंग है वेसल्स। स्पर्म कहते हैं किसको? सीड को, सीड्स को कहेंगे। ठीक है, तो इनके पास क्या होता है? दे हैव कवर सीड, कवर सीड, बिकॉज, बिकॉज लिखा है शॉर्ट में। ओव्यूल्स आर प्रोड्यूस इन द ओवरी, क्योंकि इनके ओव्यूल्स किसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं? ओवरी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो थोड़ा सा एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के अंदर मैंने आपको डिस्टिंग्विश बताया। ठीक है, ये जो एंजियोस्पर्म है, और एक बात और, ये इसका सीड जो होगा वो क्या होगा? डाइकॉट। ठीक है, और इसका सीट क्या होगा? मोनोकॉट, मोस्टली ऐसा होता है। ये बिलोंग करेगा डाइकॉटिलीडन फैमिली से, डाइकॉटिलीडन। और ये मोनोकॉट है तो ये बिलोंग करेगा किसे? जिम्नोस्पर्म मोनोकॉटिलीडन फैमिली से बिलोंग करेगा। ठीक है, इसके पास सिंगल सीट होगा, उसको स्क्यूटिलम का नाम दिया जाएगा, स्क्यूटिलम, स्क्यूटिलम। आगे हम इंटर में चैप्टर 4 के अंदर इसको डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा जी, चले आगे चलते हैं, अब डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे जिम्नोस्पर्म को। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। सर, कौन लाइक स्ट्रक्चर किसके पास होता है? जिम्नोस्पर्म के पास होगा कौन लाइक स्ट्रक्चर। अब हम जिम्नोस्पर्म को ही डिस्कस कर रहे हैं जिसके पास कौन लाइक स्ट्रक्चर है, नंबर वन। और इनके ओव्यूल जो है विदाउट ओवरी होते हैं, इनके ओव्यूल ओवरी के अंदर प्रोड्यूस नहीं होते, तभी इनके सीड्स नैकेट होते हैं। अगर इनके ओव्यूल भी ओवरी के अंदर प्रोड्यूस होते तो इनके सीड कवर्ड होते एंजियोस्पर्म की तरह। बहरहाल देखें,
जेमनोस्पर्म। जेमनोस्पर्म में एग्जांपल ले लें कॉनिफर्स की, बेहतर लगे तो। ठीक है जी, देखिए जेमनोस्पर्म इंक्लूड ऑल कॉनिफर्स। जेमनोस्पर्म में क्या होगा, इंक्लूड ऑल कॉनिफर्स, ऑल कॉनिफर्स में पाइनस प्लांट आएगा। चिलगोजा प्लांट है, डियोडार प्लांट है, सिड्रस, सनोबर को कहते हैं, सनोबर, सॉरी मेरी मिस्टेक, एबीस, एबीस सनोबर को कहते हैं, सनोबर, या फिर कैप्रस प्लांट्स। ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं, जेमनोस्पर्मिक प्लांट के एग्जांपल्स हैं। और पाकिस्तान के जेमनोस्पर्मिक प्लांट कहाँ पाए जाते हैं, नॉर्थर्न एरियाज के अंदर पाए जाते हैं, याद रखिएगा। नॉर्थर्न एरियाज, सवा, चित्राल, कागान, विच इज ब्लो प्लांट है जैसे कि आपके पास, ठीक है, बड़ा कॉमन। अच्छा अब इसके ऊपर बात करते हैं। दीज प्लांट आर मोस्टली ग्रो इन कोल्ड क्लाइमेट, जेमनोस्पर्मिक प्लांट, और इन एरियाज का क्लाइमेटिक कंडीशन आपको पता है कैसी होती है, कोल्ड होती है। दीज plants are mostly grow in this plant mostly grow in cold climate। कोल्ड क्लाइमेट के अंदर ये प्लांट्स क्या करते हैं, मोस्टली तौर के ऊपर ग्रो करते हैं। एंड ऑन द माउंटेन, पहाड़ी एरियाज, देख लें आप नॉर्दर्न एरियाज में सारे पहाड़ी इलाके, वहां पे ये प्लांट्स मिलेंगे आपको। एंड ऑन द माउंटेन, माउंटेन्स के ऊपर, दीज आर द एवरग्रीन प्लांट्स। अब कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा, एवरग्रीन प्लांट्स। अच्छा जी, एवरग्रीन प्लांट्स क्यों कहते हैं इनको, कोई आप में से मुझे बताएगा, एवरग्रीन प्लांट्स क्यों कहा जाता है इनको, एवरग्रीन प्लांट्स क्यों कहा जाता है इनको, कोई बताएगा? यस टेल मी प्लीज, व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ एवरग्रीन प्लांट्स, बताएं क्या हुआ, क्या हुआ, नहीं बताना, बताएं मुझे व्हाई दे आर कॉल्ड एज एवरग्रीन प्लांट्स। हमेशा नजर आते हैं क्यों, रीजन क्या है? देखें जी होता क्या है, सुनिएगा मेरी बात को, कि विंटर सीजन में इन एरियाज में स्नोफॉल होता है तो इनको मॉइस्चराइजर की सूरत में वाटर मिल जाता है, और समर सीजन में वो आइस, वो स्नो मेल्ट होती है तो इनको क्या मिल जाता है, वाटर मिल जाता है। तो इन प्लांट्स को कभी ड्राई कंडीशन फेस ही नहीं करनी पड़ती है, इसलिए इन प्लांट्स को क्या कहते हैं हम, एवर ग्रीन प्लांट्स का नाम देते हैं, इनको कभी भी ड्राई कंडीशन को फेस नहीं करना पड़ता है, ठीक है, कभी भी ड्राई कंडीशन को फेस नहीं करते, ये बेसिक रीजन है, सदाबहार, ठीक है, ड्राई कंडीशन आई आती, ड्राई कंडीशन आ जाए तो सदाबहार तो नहीं कह सकते ना फिर इनको हम। अच्छा बहरहाल चलें जी, अब एक और इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलूंगा और आप ही मुझे बताएंगे, मैंने पंजाए में आपको बताया था, याद है आपको, पंजाए माइक्रोराइजल एसोसिएशन बनाता है इन्हीं प्लांट्स की रूट्स के साथ बनाता है, पंजाए माइक्रोराइजल एसोसिएशन ऑर्चिड प्लांट भी इन्हीं में आ जाता है, ठीक है। अच्छा देखें, देयर लीव्स, एंड कॉर्ड निडल, निडललेस, ठीक है, निडललेस, LES, चले निडललेस, इट इज अ जेरोफाइटिक कैरेक्टर्स, ये तो एक जेरोफाइटिक कैरेक्टर्स है,
दे प्रोड्यूस, अभी एक्सप्लेन करता हूं, कौन लाइक फ्लावर्स, एंड नेकेड सीड। खैर ये तो बता चुका हूं मैं आपको नेकेड सीड्स। अच्छा चले आप में से मुझे बताएगा कि निडल, अच्छा इसको पहले लिख लें फिर मैं, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको रिमूव करूंगा अभी, अब मैं इसको रिमूव करूंगा, मैं आपको समझाता हूँ ठीक है। देखिए इनके लीव्स कैसे होते हैं, इनके लीव्स कैसे होते हैं, स्केली लीफ, स्केल लाइक ऐसे, ये है स्केली लीफ, स्केली लीव्स, और ये स्केली लीफ किसके पास होते हैं, ज़ेरोफाइट्स के पास होते हैं। ज़ेरोफाइट्स किसको कहते हैं, जो शॉर्टेज ऑफ वाटर में ग्रो करते हैं, फर्स्ट चैप्टर इंटर का शॉर्टेज ऑफ वाटर में ग्रो करते हैं। तो भाई सूटेबल कंडीशन हमेशा होती है, तो फिर ये ज़ेरोफाइट्स जैसे क्यों, मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूँ कि ज़ेरोफाइट जैसी कंडीशंस क्यों आ गए इनके पास। अब आप सुनिएगा मेरी बात को हॉट से, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। मैंने कहा ये कहाँ पाए जाते हैं, हिली माउंटेन एरियाज के ऊपर, इस तरीके से ना। और एक बात और याद रखिएगा, इनकी हाइट ज्यादा होती है, इनमें वेजिटेशन कम होती है। देखें इस तरीके से इनकी हाइट ज्यादा होगी, वेजिटेशन मतलब दूर दूर तक नहीं फैलाते। हमारे पास जो प्लांट्स हैं देखें उनमें हाइट कम होती है और वो दूर दूर तक अपने आप को क्या करते हैं, इस तरीके से फैला लेते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं करते। देखें इनमें इस तरीके से स्केल लाइक, जैसे कि आपने डेट्स खजूर में देखे होंगे, ऐसे लीव्स होते हैं। वजह क्या है, ये ज़ेरोफाइटिक कैरेक्टर क्यों आ गया, जबकि मैं कह रहा हूँ स्नोफॉल होता है, मॉइस्चराइजर मिल जाता है, समर सीजन में आइस मेल्ट होती है तो वाटर मिल जाता है, फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या मुसीबत आ गई है इनको, क्या मौत पड़ी है ऐसी। देखिए होता क्या है, होता क्या है सुनिएगा। मैंने कहा किस एरियाज में मौजूद है ये, एरियाज कौन से हैं, कोई बताएगा आप में से मुझे कहाँ ये मौजूद है, कैसे एरियाज में मौजूद है। यस वेरी गुड सुहेबाराई, हिली एरियाज के अंदर मौजूद है। और हिली एरियाज के सॉइल को हमने क्या नाम दिया था, बताएं चलें, हिली एरियाज के सॉइल को हमने क्या नाम दिया था, मैंने आपको बताया था ये किसके अंदर, 8 चैप्टर में, स्लॉपी सॉइल कहा था, स्लॉपी सॉइल। और मैंने क्या कहा था, स्लॉपी सॉइल कैन नॉट एब्जॉर्ब वाटर, वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करती। ड्यू टू रैपिड फ्लो ऑफ वाटर अपर लेयर ऑफ सॉइल इज वॉश आउट, सॉइल की अपर लेयर क्या होती है, वॉश हो जाती है। और सॉइल की डेफिनेशन, सॉइल की उसी अपर लेयर में क्या होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, और सॉइल की उसी अपर लेयर के अंदर क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है ना। अब ये सॉइल की अपर लेयर वॉश हो गई ड्यू टू रैपिड फ्लो ऑफ वाटर की वजह से। अब यहाँ पे देखें इनको न्यूट्रंट्स मिलेगा, मिलेगा न्यूट्रंट्स, नहीं मिलता ना न्यूट्रंट्स, मिलता है नो, यस। तभी तो इन्होंने किसके साथ एसोसिएशन बनाई थी, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं किसके साथ, 8 चैप्टर में पढ़ा था, यस फंजाई के साथ बनाई थी। अब आप समझ गए होंगे माइकोराइजल एसोसिएशन जो इन्होंने डेवलप की, अब आप समझ गए होंगे कि वाटर भी है सब कुछ है लेकिन सॉइल क्या है, स्लॉपी है। स्लॉपी सॉइल होने की वजह से यहाँ पे वाटर स्टे नहीं करता है, वाटर रैपिडली फ्लो हो जाता है, तो इसलिए इनके पास ये ज़ेरोफाइटिक कैरेक्टर, स्केल लाइक क्या होते हैं, लीव्स होते हैं। जबकि ये ज़ेरोफाइट्स के पास होते हैं क्योंकि ज़ेरोफाइट्स इस कैरेक्टर को डेवलप करता है क्योंकि वो शॉर्टेज ऑफ वाटर में डेवलप हो रहा होता है। लेकिन इसको तो वाटर की शॉर्टेज नहीं है लेकिन स्लॉपी सॉइल है, वाटर सारा क्या हो जाता है, बह जाता है। और इसके साथ साथ इसको न्यूट्रंस के लिए एसोसिएशन डेवलप करनी पड़ जाती है, किसके साथ में, फंजाई के साथ में। फिर फंजाई अपने सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, सब बता चुका हूँ मैं चैप्टर 8 में, मुझे नहीं लगता यह एक्सप्लेन करना चाहिए। अच्छा जी देखिएगा कि दिस प्लांट प्रोवाइड टिम्बर, ये प्लांट क्या प्रोवाइड करते हैं, बड़ी अच्छी वुड है ये, जो कि फर्नीचर मेकिंग, कंस्ट्रक्शन या फ्यूल के तौर के ऊपर भी यूज की जाती है। टिम्बर प्रोवाइड करते हैं एंड दे हेल्प टू बाइंड द, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे हेल्प टू bind the soil on hilly areas, ठीक है। देखिए ये hilly areas के ऊपर soil को bind करके रखते हैं, ठीक है। इनकी जो roots होती है ना, इस तरीके से देखें, suppose करें ये hilly areas हैं, ये plants हैं,
इनकी रूट सॉइल की डेप्थ में चली जाती हैं, सॉइल की, ये सॉइल की लेयर्स हैं, सीम ऑफ सॉइल जिसको कहते हैं, सीम ऑफ सॉइल। देखें सॉइल की डेप्थ में गई है और सॉइल के इन लेयर्स को इनकी रूट्स ने क्या करा है, बाइंड करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आने के चांसेस क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। और अगर अर्थक्वेक आते भी हैं तो वहां पे लॉसेस कम होते हैं। आपको याद होगा कि हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वो रेड जोन के अंदर आते हैं अर्थक्वेक के हवाले से। क्यों वो रेड जोन के अंदर आते हैं, उसकी वजह यह है कि वहां से डिफॉरेस्ट्रेशन कर दी गई है, प्लांट्स को कट कर दिया गया है, और प्लांट्स कट कर दिए तो अब वहां पे क्या है आपके पास, उनकी सॉइल बाइंड नहीं कर पा रही है, प्लांट से खत्म हो गए, तो इसलिए वहां पे बड़े पैमाने के ऊपर तबाही आती है। आप देखें 2005-06 में यानी कि बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था इन एरियाज के अंदर, जिसकी वजह से बहुत से लोगों की क्या कॉजिंग हो गई थी, डेथ कॉजिंग हो गई थी। तो ये रेड जोन के अंदर आता है। अच्छा, इसके अलावा ये क्या करते हैं, दे आल्सो ब्रेक द विंड वेलोसिटी। विंड की वेलोसिटी को ब्रेक करते हैं। ऊंचे प्लांट है, हाइट हाइट होती है बहुत ज्यादा इन प्लांट की, यानी कि आप देखें ना 30 फीट तक की भी हाइट है आपके पास, 40 फीट तक के भी प्लांट्स हैं आपके पास, 20 फीट तक के भी आपके पास प्लांट्स मौजूद हैं। अगर आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर चले जाए, ऐसे ह्यूजली तौर के ऊपर फैले हुए होते हैं कि आप इन फॉरेस्ट में खड़े होकर आसमान को देखें तो आपको ऊपर आसमान नजर नहीं आएगा, आपको ऊपर आसमान नजर नहीं आएगा। जितने भी एनिमल्स होंगे यहाँ पे एब्रोरियल होंगे, बहरहाल मैं उस सेंस में नहीं जा रहा, रेन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की तरफ। तो देखिए ये क्या करते हैं, हवा के प्रेशर को तोड़ते हैं, क्योंकि इनकी हाइट ज्यादा है, हवा इनसे टकराती है, उसका प्रेशर क्या होता है, टूट जाता है। ये दो बड़े इनके फायदे हैं इन एरियाज के अंदर, ठीक है, ये दो बड़े फायदे हैं। अच्छा, उसके बाद रिमूव करता हूँ, आगे चलते हैं। जिम्नोस्पर्म आर डिवाइडेड इन टू, आपके पास कितनी, 4 डिवीजन चले, उनको हमने 4 डिवीजन में डिवाइड कर दिया है। साइकेडोफाइटा, साइकेडो साइकस, फाइटा मतलब प्लांट, एग्जांपल्स क्या होगी, साइकस, ठीक है। फिर उसके बाद नीटा प्लांट, जी साइलेंट है इसके अंदर, नीटम इसकी एग्जांपल होगी, नीटम इसकी एग्जांपल्स होगी। थर्ड है जिनको प्लांट, जिनको बायलोबा प्लांट, नॉर्दर्न एरियाज में मिलता है बहुत ज्यादा जिनको प्लांट। फिर एक प्लांट है आपके पास कॉनिफर्स, कॉनिफर्स में आप जानते हैं क्या आ जाएगा इसके एग्जांपल्स में, पाइनस आ जाएगा, सिंपल पाइनस प्लांट आ जाएगा। ये तो हमने थोड़े से इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस किया। अब है इसका लाइफ साइकिल, कि इसका लाइफ साइकिल क्या होगा, अब इसका लाइफ साइकिल को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। अबे सुन रहे हो या सो गए, सुन रहे हैं ना, ठीक है। जिंदा हो, ठीक है, थके तो नहीं हो ना, अच्छा जी, कल कर लेंगे लाइफ साइकिल। टाइम क्या हो रहा है, टाइम देखो क्या हो रहा है, टाइम मुझे कोई देख के बताए, 5 बज गए इतनी जल्दी, अभी तो शुरू किया था, अभी तो शुरू किया, इतनी जल्दी 5 बज गया। चार 55 5 ही समझो। जिम्नोस्पर्म को देख लो थोड़ा सा, मेरे ख्याल में लाइफ साइकिल इसका, चले बताएं सब मुझे, अपनी राय दें, यस और नो, मैं देखता हूँ किसकी ज्यादा है, यस है तो फोड़ लेंगे। ज्यादातर यस आ रहा है, ठीक है, लाइफ साइकिल डिस्कस करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स ने यस कहा है। अच्छा देखिए इसका लाइफ साइकिल डिस्कस करते हैं, लाइफ साइकिल, बस बस ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। इसके अंदर पाइनस को ले लें, पाइनस इसकी एग्जांपल है,
पाइनसिस के एग्जांपल्स, ठीक है, ना भी ले बस जिम्नोस्पर्म लिख दें तो भी ठीक है। पाइनस तो आप जानते हैं एक ऐसा प्लांट है जो तीन पार्ट्स पे कंसिस्ट करेगा ना, लॉन्ग एरेक्ट एवरग्रीन ट्री है पाइनस, तीन पार्ट्स रूट स्टेम लीव्स होते हैं इसके अंदर ना। अच्छा इसके अंदर क्या होता है पाइनस प्लांट के अंदर, अगर कभी आपने पाइनस प्लांट को देखा हो नॉर्थन एरिया के अंदर, इसके अंदर नॉर्दर्न एरियाज में कभी आपने देखा हो, मुझे नहीं पता गए या नहीं गए, देखें यहां पर ना, इस तरीके से ना यहाँ पर कॉन्स होती है, कॉन्स कॉन्स होंगे इस तरीके से, यह है कॉन्स इनकी ना, फिर यहां से ये ऐसे ये प्लांट्स है, देखिए ये एक आपके पास क्या है जिम्नोस्पर्म प्लांट है, ये इनके लीव्स हैं, लीव्स ठीक है। इसमें जो साइज में बड़ी है वो फीमेल है, फीमेल वैसी बड़ी फिल्म है, जो साइज में छोटा है वो मेल है बेचारा, ठीक है, कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ पता ही नहीं पड़ता, ठीक है। और ये जो है इनका, इसको छोड़े रहने दें, इसको कंफ्यूज होंगे बस इतना रहने दें, ठीक है। अच्छा ये तो एक पाइनस प्लांट को मैंने यहाँ ड्रॉ करके दिखाया आपको, कैसे इनके अंदर देखिए लीव्स हैं, लीव्स के दरमियान अंदर की तरफ क्या होती है कॉन्स होती है इनके, ठीक है। अच्छा देखिए इसका लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल दो स्टेजेस में डिवाइड किया जाएगा, वही सारी प्रोसेस, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट अल्टरनेशन जनरेशन होगी, स्पोरोफाइटिक स्टेज क्या होगी डोमिनेंट होगी, और गैमेटोफाइटिक स्टेज क्या होगी रेसेसिव होगी, मतलब लाइफ साइकिल स्पोरोफाइट से शुरू होगा एंड होगा गैमेटोफाइट पे। स्पोरोफाइटिक स्टेज में कौन सा साइकिल चलता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है, तो मेन प्लांट बॉडी इसकी स्पोरोफाइट क्या होगी डैप्लॉइड होगी, मियोसिस करेगी, मियोसिस करके क्या बनाएगी स्पोर्स बनाएगी, ठीक है। अच्छा ये प्लांट क्या है, ये जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स क्या कहलाते हैं, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट प्लांट्स आर कॉल्ड monoecious, but flowers, but their flower are unisexual. देखिए प्लांट क्या है, प्लांट है monoecious, जानते हैं ना monoecious किसको कहते हैं, मतलब बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रोड्यूस ऑन द सेम प्लांट। और फ्लावर क्या है, फ्लावर यूनिसेक्चुअल है, यूनिसेक्चुअल, हाउ हाउ दे आर यूनिसेक्चुअल, इसको स्क्रीनशॉट लें मैं आपको बताता हूं, स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, देखें ये एक प्लांट है सपोज कर लीजिएगा, सपोज मेल कौन, ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल साइज से समझ जाइएगा ये फीमेल है, फीमेल कौन, प्लांट क्या है मोनोशियस, फ्लावर क्या कहलाएगा बाइसेक्चुअल यूनिसेक्चुअल, अब आपका इम्तहान है, अभी पीछे हमने टेराफसीडा में आपको बताया था बाइसेक्चुअल यूनिसेक्चुअल है फ्लावर, यूनिसेक्चुअल वाई, कोई गर्ल्स में से बताए, हे गर्ल्स यूनिसेक्चुअल क्यों यूनिसेक्चुअल है, देखें सुने मेरी बात को, देखें अब देखें, देखें क्या है, क्या है, यस वेरी गुड, बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर लोकेट ऑन द टू डिफरेंट ब्रांचेस,
both reproductive organs locate on the two different branches. ये different. Plant एक ही है लेकिन branches क्या है different है. अभी मैंने आपको बताया था, आपने देखा था ना front के अंदर gametophyte, prothallus, male female एक साथ थे, तो मैंने कह दिया bisexual. अब यहाँ male और female एक साथ थे, है या नहीं? Male और female एक साथ है या नहीं? मोचड़े खाओगे, नहीं है एक साथ, अलग अलग ब्रांचेस में, मेल अलग ब्रांच पे, फीमेल अलग ब्रांच पे. देखिए अगर क्या होता, अगर सुने 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 मुझे सुने, छोड़े आपकी, मैंने दो साल तक, एक साल तक सुनी है. अब ये अच्छा देखें, ये है मेल, ये है फीमेल, दोनों एक साथ अटैच है. अवल तो ऐसा होता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ. चले सपोज कर लें, कर लें. प्लांट क्या कहलाएगा? मोनोशियस डाइशियस. बताओ जल्दी से, प्लांट क्या है? मोनोशियस डाइशियस, डायोशियस. ठीक है, और फ्लावर क्या कहलाएगा? यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल? बाइसेक्सुअल, यस, गुड. क्योंकि देखिए बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डायग्राम में देखिए एक साथ है तो डाइशियस, सॉरी बाइसेक्सुअल. और अगर मेल लोकेट ऑन डिफरेंट ब्रांच, फीमेल लोकेट ऑन डिफरेंट ब्रांच, दोनों दो अलग अलग ब्रांचेस के ऊपर लोकेट करते हैं, तो फ्लावर क्या है? यूनिसेक्सुअल, लेकिन प्लांट अभी भी मोनोशियस है. और अगर दोनों एक साथ लोकेट करें तो फ्लावर क्या है? बाइसेक्सुअल, लेकिन प्लांट अभी भी क्या है? मोनोशियस है. ठीक है, ओके, फाइन. अच्छा जी, आप जानते हैं कि मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होगी, स्पोर्स बनेंगे मियोसिस के थ्रू. ठीक है, तो पहली स्टेज इसके डिस्कस कर लेते हैं. मुझे नहीं लगता मुझे लिखने की जरूरत है कि मेन प्लांट बॉडी इज डायप्लॉइड, ये वो सब पता है आपको, इतना तो यूज्ड टू हो गए आप. अच्छा देखें इसके अंदर कि इनके अंदर क्या होगा कि टू टाइप ऑफ द कॉन्स. कॉन्स को हमने किसका नाम दिया था? कॉन्स को हमने किसका नाम दिया था पीछे, याद है? Yes, good. Strobili, या फिर हम इसको क्या नाम दिया था? Strobilus. Strobili plurilular, Strobilus singular है. तो देखें, two type of the cones are produced. इनके पास क्या होंगी? दो टाइप के कॉन्स प्रोड्यूस होंगी. एक क्या होगा? एक कौन होगी? Staminate. Strobili. Staminate word कहां से निकला है? स्टैमन से. स्टैमन क्या है? मेल. और कॉन्स का मतलब, स्ट्रोबिलाई का मतलब क्या है? कॉन. ठीक है, दूसरी कौन सी होगी? दूसरी होगी ओव्यूलेट स्ट्रोबिलाई. ओव्यूलेट वर्ड कहां से निकला है? ओव्यूल से. ओव्यूल किसका पार्ट है? फीमेल का. और स्ट्रोबिलाई का मतलब क्या है? कॉन. तो साइंटिफिकली स्टमिनेट स्ट्रोबिलाई, या फिर हम इनको नाम देते हैं किसका, यानी कि ओव्यूलेट स्ट्रोबिलाई का नाम देते हैं. ठीक है जी, क्लियर 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 क्लियर. दे प्रोड्यूस ऑन सेपरेट ब्रांचेस ऑफ द सेम प्लांट, सेम प्लांट पे सेपरेट ब्रांचेस में. ठीक है जी, अच्छा आगे चलते हैं. पहले मेल कोन का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं कि मेल कोन का स्ट्रक्चर क्या है. नंबर वन, अब मैं इसको लिखूंगा नहीं, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर उसी से मिलता जुलता है जो हमने लाइकोप्सीडा के अंदर पढ़ा था, सॉरी सेनोप्सीडा के अंदर. मीटिंग ऑफ होगी 10 मिनट्स के बाद. देखें जी क्या है ये है एक मेनेक्सिस. क्या है ये? एक मेन एक्सिस. ठीक है जी, इस मेन एक्सिस के अराउंड स्पाइरल शेप, मेन एक्सिस के अराउंड क्या? स्पाइरल शेप, स्पाइरल शेप ऐसे. स्पाइरल शेप स्केल्स आर प्रोड्यूस. इस मेन एक्सिस के अराउंड क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? स्पाइरल शेप स्केल्स. इन स्पाइरल शेप स्केल को किसका नाम देंगे? माइक्रो स्पोरोफाइल का नाम देंगे. ठीक है, इस माइक्रोस्पोरोफाइल के अंदर एक चैम्बर और होगा इस तरीके से. अब आप जज कर लें वो चैम्बर क्या कहलाएगा.
इस माइक्रोस्पोरोफाइल मतलब वो स्केल्स वो स्पाइरल शेप स्केल्स, ये कैसे हैं? स्पाइरल शेप स्केल्स, ठीक है, कॉल्ड माइक्रोस्पोरोफाइल। ठीक है, अब इनके अंदर एक चैम्बर और मौजूद है इस तरीके से, इसको आप किसका नाम दे रहे हैं? इसको आप नाम दे रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजिया का, माइक्रोस्पोरेंजिया। अब मेन प्लांट बॉडी क्या थी इसकी, हैप्लॉइड या डैप्लॉइड, जल्दी बताइएगा। मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड थी डैप्लॉइड थी, क्या हो गया? डैप्लॉइड। तो क्या करेगा? मियोसिस माइटोसिस यस गुड, मियोसिस करके क्या बनाएगा? देखें, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। देखें ये क्या है, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। क्लियर है जी, लिखने की जरूरत नहीं है इसके बारे में। अच्छा, अब इसका माइक्रोसिस के डायग्राम को मैं रिमूव करता हूँ, मैं इस डायग्राम को रिमूव कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से। इसकी स्पोरोफाइटिक स्टेज आज पढ़ लेते हैं, गैमेटोफाइट कल पढ़ लेंगे इसका, फिर ऐसा करेंगे क्योंकि ये खत्म होना तो मुश्किल है। ठीक है जी, चले जी मैं इसको रिमूव करता हूँ। अच्छा जी देखें, ये है जिम्नोस्पर्मिक प्लांट का, ये है इसका एक हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। ये डायग्राम भी अक्सर एंटी टेस्ट में आ जाती है, बताइए किसका माइक्रोस्पोर है। इसके पास ये दो विंग्स होते हैं, टू विंग्स। इन विंग्स में विंड के थ्रो फीमेल तक पहुंचता है। ये है इसका साइटोप्लाज्म और ये है इसका हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। ठीक है, इसको अभी डेवलप होना है जाके किसमें, मेल गैमेटोफाइट में। तो ये तो आपके पास स्पोरोफाइट में मेल गैमेटो यानी कि मेल कौन थी, अब हम चल रहे हैं फीमेल कौन की तरफ, रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा जी, सेकंड ओव्यूलेट स्टोपला है या ओव्यूलेट मेल फीमेल कौन कह दें। देखिए ईच फीमेल कौन आल्सो कंसिस्ट ऑन द सेंट्रल एक्सिस। फीमेल कौन भी किसके ऊपर कंसिस्ट करेगी, एक सेंट्रल एक्सिस के ऊपर कंसिस्ट करेगी। ये इसका क्या है, दिस इज अ सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, अराउंड द बोथ साइड ऑफ सेंट्रल एक्सिस के आप दोनों तरफ देखेंगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पर भी डार्क ब्राउन वुडी, आपने प्रैक्टिकल में इस कॉन्स को देखा होगा, डार्क ब्राउन वुडी टाइप की आपको क्या है यानी कि स्पाइरल शेप स्केल्स नजर आएंगे। इन स्केल्स को हम किसका नाम देते हैं, ओवलीफेरस स्केल्स कहते हैं या फिर मैगा स्पोरोफाइल का नाम दे दें। ठीक है, अब देखिए इनके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, हर एक के अंदर ना यहां पर इस तरीके से ईच ओवलीफेरस स्केल। ओवलीफेरस क्यों कह रहे हैं, ओवली का मतलब क्या है, ओवली का मतलब ओव्यूल और फेरस का मतलब वो स्केल जो ओव्यूल को कंटेन करें। इनके अंदर क्या है, देखें इनके अंदर क्या है, इनके अंदर ओव्यूल है, इनके अंदर क्या मौजूद है, ओव्यूल मौजूद है। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, ईच फीमेल कोलन सो कंसिस्ट ऑन द सेंट्रल एक्सिस, अराउंड द बोथ साइड ऑफ सेंट्रल एक्सिस मेनी स्पाइरल शेप स्केल्स आर प्रोड्यूस कॉल्ड मैगास्पोरोफाइल या ओवलीफेरस स्केल। ठीक है, ये डार्क ब्राउन वुडी स्पाइरल शेप के अंदर होते हैं, अरेंज इन स्पाइरल मैनर, आपने प्रैक्टिकल में देखे होंगे कौन। इनके सेंट्रल में यहाँ पर ये जो नजर आ रहा है आपको, ये जो नजर आ रहा है ये ओव्यूल है, तो इसलिए इन स्केल्स को ओवलीफेरस कह रहे हैं, बिकॉज दीज स्केल्स कंटेन ओव्यूल, ओव्यूल को कंटेन करते हैं। अब ओव्यूल का स्ट्रक्चर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, यहाँ पर बस एंड कर रहा हूँ प्लीज, बस बाबा बस आने बस क्यों।
दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल ऑफ जिम्नोस्पर्मिक प्लांट. देखिएगा बस एंडिंग के ऊपर है. मीटिंग में भी 3 मिनट है, 3.5 मिनट. ठीक है जी. देखें जी, अच्छा देखिएगा, देखिए ये क्या है इनके ऊपर. ये जो दो लेयर्स आपको नजर आ रही है ना, ये जो दो लेयर्स नजर आ रही है, ये देखें, ये है इंटीग्यूमेंट्स. इंटीग्यूमेंट्स कितने होते हैं? बास जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में इंटीग्यूमेंट्स की दो लेयर्स होती है, 2 लेयर्स. और बास के अंदर कितनी लेयर्स होती है? इस तरीके से एक लेयर और आ रही होती है. बास के अंदर कितनी लेयर्स होती है? 3 लेयर्स होती है. 2 से कम नहीं होंगी, 3 से ज्यादा नहीं होंगी, अपने माइंड में रखिएगा. ठीक है, ये ही सॉव्यूल की सेंट्रल बॉडी. ये सेंट्रल बॉडी है, सारी ये सेंट्रल बॉडी है. इस सेंट्रल बॉडी को नाम देते हैं न्यूसिलस का नाम देते हैं. ठीक है, अब न्यूसिलस के अराउंड देखें कौन मौजूद है. न्यूसिलस के अराउंड इंटीग्यूमेंट्स मौजूद है. हम कहते हैं कि दीज लेयर्स अरेंज इन सच मैनर डेट एन ओपनिंग फॉर्म एट द लोअर साइड. ये इंटीग्यूमेंट्स इस अंदाज में अरेंज है. मैंने क्या कहा? दीज लेयर्स आर अरेंज इन सच मैनर डेट एन ओपनिंग फॉर्म एट द लोअर साइड कॉल्ड माइक्रोपाइल. क्या है? माइक्रोपाइल है. ठीक है, अच्छा जी, माइक्रोपाइल के थ्रू कौन एंटर होता है? पॉलन ट्यूब. पॉलन ट्यूब एंटर होगी कब? एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन. ठीक है, ये है एक लार्ज डैप्लॉइड मैगास्पोर मदर सेल. ये है लार्ज डैप्लॉइड मैगास्पोर मदर सेल्स. अब देखिए क्या करेगा, मैं इसको यहां ड्रॉ करता हूं डायग्राम को. जैसी भी जगह है, जितनी भी जगह में ड्रॉ हो रही है, देखिएगा आप जल्दी से देखते हैं. 1 मिनट के बाद मीटिंग भी एंड होने वाली है. ठीक है, अब देखिए लार्ज डैप्लॉइड मैगास्पोर है ना, मदर सेल डैप्लॉइड है, तो मियोसिस करेगा. कितने बना लेगा? 4 हैप्लॉइड बना लेगा स्पोर्स. 4 हैप्लॉइड मैगास्पोर्स बनाए, 4. अब इन 4 में से 3 क्या है? नॉन फंक्शनल, और 1 क्या है? फंक्शनल. अब जो 3 नॉन फंक्शनल है वो क्या हो जाएंगे? जल्दी से देखिएगा, डीजनरेट हो जाएंगे. और 1 फंक्शनल, ये 1 फंक्शनल क्या करेगा? डेवलप हो जाएगा. किसमें? मेल गैमेटोफाइट के अंदर. ठीक है, क्लियर? क्लियर है जी? क्लियर है? जल्दी से बताइएगा सर. मेल गैमेटोफाइट में फीमेल? फीमेल, सॉरी, फीमेल गैमेटोफाइट. मेरी मिस्टेक, सॉरी. फीमेल गैमेटोफाइट. क्लियर है यहाँ तक? जल्दी बताइएगा. Yes, अच्छा, मैं मीटिंग स्टार्ट नहीं करूंगा, बस हम यहाँ पे इसकी स्पोरोफाइटिक स्टेज पे वाइंड अप कर रहे हैं. कल इंशाल्लाह इसकी डिस्कस करेंगे गैमेटोफाइट.